गांधी जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मिनी गोवा, पठानकोट। मैंने सोचा कि चलो, गर्मी की छुट्टियाँ आने वाली है तो उससे पहले कुछ आपके लिए ऐसी प्लेसेस दिखा दूँ यहाँ पे आप जाके अपनी गर्मी की छुट्टियाँ सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से मुझे 2.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है और टाइम जो हुआ है 12:50 हो चुके हैं। अब इस रोड पे हमें टाइम लगेगा क्योंकि ये वाली रोड ना आगे जाके बन रही है। आज यार काफी दिनों बाद राइड पे निकला हूँ। ये कुछ 124 किलोमीटर की राइड है ये वाली। कई बार ना काफी बड़े बड़े खड्डे आते हैं रोड पे, इसमें बाइक की जब एकदम से लगेगी आपको पता है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ना बहुत ध्यान से बाइक चलानी पड़ती है, तो पता नहीं कहाँ पे खड्डा आ जाएगा। वैसे बन रही है ये रोड, आगे मैं गया था कल परसों। गर्मी अभी ना स्टार्टिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा ना बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, लगातार ही होती रही है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम था। लेकिन आने वाले टाइम में ना जो टेम्परेचर रहेगा वो 40+ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी जब गर्मी पड़ी थी 40 के प्लस टेम्परेचर जो था 40+ चला गया था। हाँ हाँ बोला, चल रहा मिनी गोवा पठानकोट। हाँ 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 बस ठीक। हाँ हाँ डेल्टा। अच्छा 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 मनु पिंडर। हाँ हाँ ठीक ठीक है। ये बन रहा है रोड, इस रोड पे काफी धूल हो चुकी है। यार कोई इंडिकेटर तो ला दे भी, इन्हें मुड़ना है। देख लो कैसे कैसे लोग हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, मुंह उठाया। और अभी जो बाइक अपनी थी वो 20 पे थी, अगर थोड़ी सी फास्ट होती तो शायद लग जाती। साइड मंडी है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। वैसे ये वाली रोड भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि JCB से जो ऊपरली लेयर है ना वो निकाल दी है इन्होंने। ओ तेरी, यहाँ पे भी वही हाल है यार। वैसे ना इसका जो पीछे वाला टायर है वो काफ़ी वाइड है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस रहता है, बाइक के स्लिप होने के चांसेस जो बहुत कम रहते हैं। देखो यार कितनी धूल है। अब 100+ किलोमीटर है तो गर्मी है, इसलिए ना रास्ते में हम एक ब्रेक लेंगे। 1:15 हो चुका है और अभी तक 18 किलोमीटर ही आया हूँ। इस रोड पर मैं ज़्यादा बार नहीं आया, बस एक दो बार ही आया हूँ, ये शायद तीसरी बार आ रहा हूँ। अगर रोड ख़राब रहती तो फिर हमें काफ़ी टाइम लग जाता, फिर सोच लो कि 4-5 घंटे लग जाते हैं हमें 100 किलोमीटर कवर करने में। अगर जैसी रोड पीछे मिली हमें ख़राब वाली वैसी रोड होती तो अब आराम से मैं 80-90 पे क्रूज कर रहा हूँ। लेकिन ये हाईवे बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ब्रेक करनी पड़ती है कभी कभी ओवरटेक करने के लिए। हर चौवाल पहुँच चुके हम। अगर ऐसे ही हम चलते रहे ना 90+ तो तकरीबन 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। अब फ्लाई ओवर पर चढ़ेंगे, फ्लाई ओवर क्रॉस करके अब मिला हाईवे, अब पहुँचेंगे हम बहुत जल्दी। लेकिन रास्ते में रुक के थोड़ी ब्रेक लेंगे क्योंकि बाइक अपनी 50 किलोमीटर चल चुकी है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी लग्स को हीट पहुँच रही है इसकी। यह गुरदासपुर का बस स्टैंड है। के बीच क्रूज कर रहा हूँ, पठानकोट 25 किलोमीटर। ऐसी रोड पहले मिली होती तो मुझे लगता है मैं 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते। देख अब बाइक को भी थोड़ा चलो, आराम मिलेगा, मैं कब से ढूंढ रहा था।
भाई हमने रो पी ली, गला भी सूख रहा था, चलो बाइक को भी थोड़ा आराम मिल गया। 52 किलोमीटर दिखा रहा है पठानकोट, 20 किलोमीटर यहाँ पे यहाँ से है, और जो मिनी गोवा है वो दिखा रहा है 52 किलोमीटर। और थोड़े दिन तक एक और राइड करके आऊँगा। थर्टी सेवन किलोमीटर भी बाकी है पठानकोट से, तकरीबन 40 किलोमीटर पड़ता है मिनी गोवा। कैब गिर गई किसी की रोड पे, रेडी का टायर देखो क्या कर झूल रहा है वो भी। पहाड़ देखना शुरू हो चुके हैं अभी, रोड का जिंदा प्रदर रोड बात होता था भाई पिछले रोड और रोड बढ़िया। अच्छा पहला चौक आना, हां जी मोड़ देना सीधा ही रह गया अभी जी। ठीक आगे काटागा तो बैक हो जाएंगे, काट दो जरा है नाली है तो काट दो वो सामने नीला। अच्छा अच्छा ठीक है पहला चौक आना तो ठीक है भाई। तो देखो भाई एक बार फिर से गूगल मैप ने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली रोड जो है वो सही है। तो उन्होंने कहा कि वो जो रोड है ना ये सीधे वाली ये आगे बन रही है रोड, तो ये भी सही है वैसे। तो वो बंदा कह रहा था कि आगे ना नहर से रोड बन रहा है तो इसीलिए बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ से निकलने में, तो तू ऐसा करके यहाँ से हो जा। तो गूगल मैप वही रोड दिखा रहा था सीधा, अगर वहाँ से हम सीधे जाते तो हम पहाड़ों के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते, लेकिन इस साइड से मुझे लगता है कि दूर के भी यहाँ पे इस साइड से दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। अब जाके रोड थोड़ा सही आई है, 3:45 हो चुके हैं। पानी की बोतल मिल जाएगी, अपनी पानी की बोतल जो गर्म थी तो भैया ने हमें ना बर्फ़ डाल के दी पानी में रख के। थैंक यू भाई फिर तो डब्बा बहुत शुक्रिया, भाई ने हमें पानी में बर्फ़ डाल के पानी ठंडा करके फिर दोबारा से बोतल में भर के दिया। देखो यार जे ना बंदा कह रहा था कि ये अच्छा वाला हाईवे आ रहा है ऊपर से, लेकिन गूगल में आपने पता नहीं किधर से घुमा दिया यहाँ पर। तो ये पता नहीं एरिए का नाम क्या है यहाँ का, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होती तो आपको बता देता। यार बहुत बंदे मिलते हैं जो ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो बंदा दूर से आया है अब ना ऊंचाई में आना शुरू हो, ऊंचाई में आ रहे हैं तो जो कान है ना वो बंद हो रहे हैं। अब ना मौसम में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे थोड़ी ठंडक महसूस होगी। अरे यार रोड मस्त बनी है, मुझे लगा था रोड भी ऐसी वैसी हुई, बहुत टाइम लगेगा। पहाड़ कितना ऊंचा है, अगर वहाँ पहाड़ पे हम चढ़ जाएं तो मुझे लगता है कि वहाँ से पठानकोट दिखेगा हमें। वैसे कहते हैं कि जो डलहौजी की सबसे ऊंची पहाड़ी है ना वहाँ से मतलब पठानकोट जो है दिखता है। लगभग हम अपनी मंजिल के पास पहुँचने वाले हैं, कितना गहरा खड्डा है यार। जितनी बार मैं आया हूँ गाड़ी पे आया हूँ बाइक पे, मैं इस एरिए में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। ये वाला जो है ना ये सीधा डलहौजी रोड ही है, शायद आपने अगर डलहौजी वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसमें ये वाली रोड तब बन रही थी जब मैं आया था। व्यू चेक करो यार है ना मस्त। ये डैम है, मिनी गोवा ठीक है ओके थैंक यू भाजी। पूछना अच्छा है यार, पता क्यों है, क्योंकि जो गूगल मैप है ना वो साला कन्फ्यूज कर देता है,
खुद कंफ्यूज हो जाता है ऐसी जगहों पे, क्योंकि नेट की दिक्कत होती है ना। भाई मिनी गोवा सीधा जी, ठीक है जी। मैं वहां से लेफ्ट हो गया था, अभी भी आधा किलोमीटर आ गया है। ये पहाड़ कम उस पार से आए हैं शायद, यही जगह है। मैंने काफ़ी बंदों से पूछा था उधर टाइम, वहाँ पे रुका उस बंदे ने भी बताया, और यहाँ से मैंने गन्ने का जूस पिया, वहाँ पे भी बंदे ने बताया कि शाम के टाइम लोग आना शुरू होते हैं, दोपहर के टाइम वहाँ इतनी भीड़ नहीं रहती। और शाम का टाइम हो चुका है, 3:30 हो चुके हैं, मुझे लगता है 4 बज जाएंगे शायद वहाँ तक पहुँचते। अरे भाई पहली बार ऐसी रोड पे मैं बाइक चला रहा हूँ, तो फाइनली गाइस मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। नीचे जाने के लिए रोड अच्छी बनी है, वहाँ पे मैं रुका इसलिए था क्योंकि मुझे ना की कॉल आ रही थी, तो इसलिए मैं रुका वहाँ पे। मैंने सोचा चलो, काफ़ी टाइम से वो कॉल कर रहा था, मैंने उठाई नहीं। ये देखा नजारा यहाँ का, ऐसे रौनक तो है। बंदे कह रहे थे वहां पे रौनक नहीं होगी, ये होगा वैसा होगा ऐसा होगा, लेकिन नहीं यार। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मिनी गोवा। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन जो है, और यहाँ इस साइड जो है नदी बह रही है, यहाँ
पे लिखा हुआ है नदी में जाना और नहाना सख्त मना है, और यहाँ पे प्री वेडिंग फीस भी लिखी हुई है 1000 नो यूजिंग प्लास्टिक। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए भी लगा हुआ है। भाई कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे? 24 बॉल्स के 100 रुपीज लेते हैं। तो ये मैं आपको नदी दिखाता हूँ, यहाँ पे झील, सर नदी नहीं है झील है ये वाली। वो सामने बोट खड़ी हुई है, यहाँ पे ना सैटरडे और संडे को ज़्यादा रश रहता है क्योंकि वहाँ उस दिन ना छुट्टी होती है। तो दोपहर को तो गर्मी अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मौसम का थोड़ा पंजाब से और यहाँ पर फ़र्क है, लेकिन ये भी पंजाब में। और यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, आपको खाने पीने की दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पर। ये ना जो जगह है ना वो हिमाचल में नहीं है, पंजाब में ही है। और क्या करते हो आप? चलिए जॉब नहीं बात है। ये बच्चे यहाँ पे राजस्थान से आए हुए हैं स्कूल से, तो ये अपने सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अब भाई नाम बता दो अपने। रविंद्र कुमार सर। मनीष यादव। हड्डा भाई सर धनवान जी। तो ये सारे हैं इनके हड्डा भाई सिंह ठीक है जी। तो ये राजस्थान गंगानगर से गंगानगर से आए हुए हैं, तो ये अब अमृतसर जा रहे हैं ठीक है। ओके सर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। यहाँ पे कैंपस सिस्टम भी है, नेचर अवेयरनेस कैंप।
तो यहाँ पे यार हमें राइड पे आके फ़ायदा हो गया कि हमें यहाँ पे काफ़ी सब्सक्राइबर मिल गए। अब 4:20 हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि वापस जाते जाते तो 8 बज जाएंगे। तो अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे आओ, बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ऊपर से जब भी आप नीचे के साइड जा रहे होते हो ना, तो हमेशा ही फ्रंट ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करें। हिमाचल में हर जगह पुलिस का नाका मिल रहा है, क्या कहते हैं, चेक पोस्ट। अकेला हूँ बाइक पे तो एक थोड़ा, अकेले चलाने में बाइक एक तो कॉन्फिडेंस रहता है, तो दूसरा यार लीन करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि अगर पिलियन साथ रहता है मगर कोई बंदा पीछे बैठा डरता है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, मैं निकला ही लेट हूँ, अगर थोड़ा पहले निकला होता ना, सुबह निकलता तो डलहौजी का सीधा टूर निकालता। यहाँ पे भी चेक पोस्ट है, मुझे इस साइड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए पता नहीं कौन सा एरिया है, कौन सा शहर है। जाते टाइम गूगल ने ना अलग ही रोड पे डाल दिया था, जिसकी वजह से ना वो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस रोड से मुझे लगता है काफ़ी अपना टाइम जो है बचेगा। पहले तो उस रोड से गया तो वो वाली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी टाइम लग गया उस रोड से, क्योंकि वहाँ पे 30 के ऊपर 30-40 के ऊपर गाड़ी गई नहीं अपनी। ये पहुँच गए हम शहर के बीच से, ठीक है। यहाँ ना फ्लाईओवर से इस साइड को होना था तो मैं सीधा निकल गया, उसकी वजह से मुझे वैसी रोड मिली। क्या होगा भाई, यहाँ पे क्यों जाम लगा हुआ है, कांड हो गया लगता भाई। नहीं कांड नहीं हुआ, कोई गाड़ी क्रॉस हो रही होगी। ये देखो यार बीच रोड पे ब्रेक लगा दी। अब 70 पे चलते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अंधेरा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे आराम से। रोड अच्छी है, दीना नगर अमृतसर यहाँ से 93 किलोमीटर है। फाइव किलोमीटर बाकी है, 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन 1.25 घंटे का दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले पहुंच जाएंगे। 5:49 हो गए हैं।
अब आ चुके हैं हम गुरदासपुर। फ़ोन की बैटरी जो है ना वो रह चुकी है 20% रह गई थी 21, तो मैंने अभी ना ये देखो चार्ज लगाया हुआ है, साथ में वहाँ पे लगा दिया, तो इसकी भी बैटरी वैसे इसकी 27 है शायद, नहीं 22 रह गई है, मुझे लगता है तब तक हम पहुँच जाएंगे। 41 किलोमीटर बाकी है। ये वाली रोड जो है ये चली जाती है बटाला कादियाँ। यार बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, ये ना ट्रक आगे जा रहे हैं शुगर मिल वाले, तो शुगर मिल का वेस्टेज है ना वो आता है इनमें, इतनी गंदी स्मेल है आप ज़्यादा टाइम में इसके पीछे रुक नहीं सकते। यार कैसे कैसे लोग देखो रोड के बीच ही गाड़ी रोक के खड़ा है बंदा। तो वो वाली रोड जो है ना वो ख़राब थी, तो ये बन चुकी है, इस रोड से चलते हैं। वो सुबह है तो बहुत ज़्यादा धूल है यार, उस पर धूल की वजह से ना आँखों में इचिंग होने लग जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है धूल से आँखों में। इतना ट्रैफिक क्यों है यहाँ पे, शायद इवनिंग का टाइम है इसलिए। आगे से सीधा धूप पड़ रही है क्योंकि सूर्य सीधा आज सामने आ चुका है।